सीधे मानवी के पास चलना चाहता हूं। मानवी, आपको क्या लगता है, आज जयाप्रदा ने कहा कि जया बच्चन जी तो इस मुद्दे पर राजनीति कर रही हैं, अगर ऐसा है तो बच्चन फर्स्ट फैमिली इस परिवार को लीड करना चाहिए, करण जौहर की पार्टी की जांच भी हो, उन्होंने ये भी कहा, और बच्चन परिवार ड्रग्स के खिलाफ एक एक्टिव कैंपेन शुरू करे, करना चाहिए उनको? मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि जया जी उस वक्त क्यों नहीं आवाज़ उठाई जब दिशा की डेथ हुई, जया जी ने क्यों नहीं आवाज़ उठाई जब सुशांत की डेथ हुई है, और तमाम जो बातें हो रही है, जया जी ने 2 महीने तक जब सुशांत की इन्वेस्टिगेशन थी तब किसी ने भी बॉलीवुड में आवाज़ नहीं उठाई, जया जी क्या किसी ने भी बॉलीवुड में आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन जब ड्रग्स का एंगल आया तो तमाम बड़े बड़े सितारे हैं जो बीच में आ गए हैं, वो इस चीज़ को डेविएट करना चाहते हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब डेथ हुई है और जब सीबीआई इंक्वायरी नहीं हो रही है, इतना प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब मुंबई पुलिस ने कुछ भी इन्वेस्टिगेट नहीं किया, तब किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन जब ड्रग्स का एंगल आया है तो कुछ लोगों को क्या सपोर्ट करना चाह रहे हैं, कुछ लोगों को बचाना चाह रहे हैं, कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, इसी वजह से बहुत जो बड़े स्टार्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। और मैं जैसे देख रही हूँ बहुत स्टार्स ट्वीट भी कर रहे हैं कि मतलब क्यों ये ड्रग्स एंगल हो, बॉलीवुड को क्यों बदनाम किया जा रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, बॉलीवुड को तो किसी ने भी बदनाम नहीं किया अभी तक, जिस जिस ने ड्रग्स के लिए आवाज उठाई है किसी ने नहीं कहा, पूरा बॉलीवुड, सब ने कहा चंद लोग, तो ये चंद लोग को पूरे बॉलीवुड का प्रसेप्शन कैसे बना लिया है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। अगर रवि जी और कंगना ने एक आवाज उठाई है और बोला है कि ड्रग्स खत्म हो जाने चाहिए मुंबई से, और कुछ ही लोग हैं जो ड्रग्स में इन्वॉल्व है, तो कुछ को एक तो सारा बॉलीवुड ले लिया इन्होंने, और वो उन्होंने क्या गलत बोला, वो कह रहे हैं ड्रग्स हटने चाहिए, तो इसमें क्या गलत है, अगर ड्रग्स फ्री कंट्री हो जाए, अगर ड्रग्स फ्री हमारी महाराष्ट्र हो जाए, इसमें क्या गलत है, मुझे ये समझ में नहीं आता, इसका मतलब बताइए कि जोर दो रही क्या गलत है, कई लोगों ने क्या गलत कह दिया, या फिर क्या गलत प्रेशर है, या मुझे ऐसा लगता है, या मुझे ऐसा लगता है कि इनको किसी से प्रेशर है, आप तो जाओगे सेकंड आर्गुमेंट के लिए किशोर तिवारी जी, क्यों जया बच्चन जब ड्रग वालों के सपोर्ट में खड़ी हो रही है तो शिवसेना उनकी बुरी बुरी सामना में सामना करके तारीफ कर रही है, क्यों बताइए किशोर तिवारी जी, क्या आप नहीं चाहते महाराष्ट्र से ड्रग कल्चर खत्म हो, अगर है तो, जो कि है। नहीं, अब मैं बताता हूं कि सुशांत के मित्र और हमारे मराठी मानुष हिवरकर साहब बोल रहे हैं कि 90% लोग ड्रग लेते हैं, अब ये यार 10% कौन है बता दे, क्योंकि आप, अरे तो आपको बोल दे सर, सरकार आपकी है, वो तो अपनी बात कह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आपने क्या किया है अभी तक बताइए, जब सुशांत की डेथ हुई अगर आप रिया की मोबाइल ले लेते, रिया की चैट रिट्रीव कर लेते, ड्रग एंगल आप भी निकाल लेते, आपने ड्रग एंगल को जान के नहीं निकाला, क्योंकि बहुत लोग इन्वॉल्व थे, बहुत लोगों के नाम आते, एक तरफ आप रिया को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी तो झूठ उधर ही पकड़ा गया जब किसी और चैनल के माध्यम पे जाके वो बोलती है मैं ड्रग्स नहीं लेती थी, सुशांत ड्रग्स लेता था, और जब एनसीबी ने उससे बयान लिया तो पता लग गया कि वो ड्रग्स लेती भी थी, ड्रग्स का उसका पेडलिंग भी था, तो सब कुछ उधर ही सामने हो गया, और आप हर वक्त रिया को सपोर्ट कर रहे थे, और अभी भी आपकी कोशिश है कि किसी तरह हम लोगों की आवाज बंद हो जाए और जितने तमाम लोग इसमें इन्वॉल्व है वो छुप जाए किसी तरीके से, क्योंकि बॉलीवुड ने पहले तो आवाज नहीं उठाई अपनी, बिल्कुल भी आवाज नहीं उठाई, लेकिन जैसे जैसे नाम आ रहे हैं तो आप सबको घबराहट हो गई है, आपके चेहरे पे तोते उड़ गए, भोखला गए सारे के सारे कि बस ड्रग्स की जांच बंद हो जाए किसी तरह। मानवी जवाब ले लेते, जवाब लेते किशोर तिवारी जी, और आपकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस बचाओ रिया करके रैली निकाल रही है कलकत्ता की सड़कों पे, ये तो बंगाली ब्राह्मण है, इसको बचाओ, आपकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस के लिए उतना ही धुतकार रहे हैं, जो लेडी इतना कुछ कर रही है महाराष्ट्र के लिए, जो चाह रही है ड्रग्स को खत्म किया जाए, उसके लिए उतना ही धुतकार और रिया को उतना ही सपोर्ट, और अब तो दूध का दूध पानी का पानी भी हो गया कि वो झूठी है एक नंबर की, उसको हम सपोर्ट नहीं कर सकते, फिर भी आपको रिया ही ठीक लगती है, कंगना जो हमारे लिए इतना कर रही है महाराष्ट्र के लिए कर रही है, फिर भी आपको कंगना ही गलत लगती है, बताइए किशोर जी, दो टूक सवाल है मानवी का। अरे मानवी तनेजा मुझ पे क्यों गुस्सा कर रही है, मैं तो कभी जिंदगी में चाय भी नहीं पीता हूँ, आपकी पार्टी है तो आपसे भी क्वेश्चन पूछूंगी, आपकी पार्टी है, आपके नाक के नीचे से ड्रग्स की सप्लाई हो रही है, लॉकडाउन में आपके नाक के नीचे से सब कुछ हो गया, आपको पता ही नहीं महाराष्ट्र में इतना अच्छा काम किया पुलिस ने लॉकडाउन के टाइम, एक गाड़ी को पास होने नहीं दिया, ड्रग्स पास हो रहे थे, ये मुझे समझ में नहीं आया, ड्रग्स पास हुई जा रहे हैं हर जगह लॉकडाउन में, या तो महाराष्ट्र में ड्रग्स थे, मेरे को ये नहीं समझ, महाराष्ट्र में ड्रग्स थे क्योंकि सारी ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम बंद था, सारा माध्यम बंद था, ये तो अंदर ही है, अगर मैं बात करने लगूं कि बात खत्म नहीं होगी, दूसरी बात ये दाऊद का घर क्यों नहीं गिर रहा, भिंडी बाजार में दाऊद का घर क्यों नहीं मिल रहा, ये सब कुछ इंटर रिलेटेड है, ये सब कुछ इंटर रिलेटेड है, अगर दाऊद का घर गिरा देगा तो ड्रग्स की सप्लाई बंद हो जाएगी, ड्रग्स की सप्लाई बंद हो जाएगी, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है। किशोर तिवारी जी और मानवी को दिखाइए, अरुण भाई आ रहा हूँ आपके पास, किशोर तिवारी जी जवाब नहीं है, निरुत्तर कर दिया आपको मानवी ने, आपके पास कोई जवाब नहीं है, अरे
नहीं दे रही हो। इनके मुंह के तोते उड़ जाते हैं, इनका मुंह बिल्कुल खड़े में टमाटर की तरह बन जाता है, इनको कोई जवाब ही नहीं है। इतना कुछ है मेरे पास बोलने के लिए, इनके पास एक भी जवाब नहीं है। दाऊद का घर क्यों नहीं गिराया? दो महीने का दो बार सुप्रीम कोर्ट ने बोला है घर गिराओ, आपके पास कोई घर नहीं है, और कविता का घर 24 घंटे में गिरा दिया। 24 घंटे में दाऊद के लिए मरने रुक जाइए, रिपीट कर रहे हैं। मानवी एक मिनट किशोर जी से जवाब ले लीजिए। आपके पास है, नहीं बोलेगी बीच में हो। अरे देखो, नहीं बोलेगी ना। हम एज ए सरकार किसी भी गलत चीज को इंडोर्स करते नहीं है, हम किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, ये आपने को मैंने यहाँ बता दिया कि हमारे सीएम साहब इस पूरे प्रकरण को लॉजिकल कंक्लूजन को ले जाना चाहते। हम सर दाऊद का घर तो गिरा दो अभी। किशोर तिवारी जी, वो सही पूछ रही है, दाऊद का घर क्यों नहीं गिरा रहे हो आप? वो तो गिरा दो कम से कम। तो दो हेयरिंग हो गई है कोर्ट में, दो हेयरिंग। आपके पास बंदे नहीं है, आपके पास बंदे नहीं है, ये आपने बोला है। कंगना के लिए 4 गुना ज्यादा बंदे थे आपके पास, इसका जवाब दे दो। अरे जवाब नहीं दो, अरे बाप रे बाप, कमाल है, ताली बजाओ। जवाब नहीं दो, अरे बाप रे, क्योंकि जवाब है ही तुम्हारे पास, तो इसलिए करना नहीं चाहते। एक मिनट के लिए मैं आप दोनों को ब्रेक दूंगा, दोनों ठंडा ठंडा पानी पीजिए।